हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो, आपके जीवन में स्वस्थ, और आपका जो अपना एक टारगेट है वो टारगेट को आपको जरूर अचीव करें। मेरा जो चैनल है फार्म मास्टर विपिन मिश्रा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उसमें और मेरे व्यूज़ भी अच्छे आए थे, तो उम्मीद करते हैं कि 2024 में भी मेरा ये जो चैनल है ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि बीच में मैंने एक बार इसे बंद करने का भी सोचा था कि इस चैनल को मैं आगे नहीं चलाऊं, क्योंकि इसमें व्यूज़ जो थे वो मेरे को प्रॉपर मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत इस वीडियो का बनाने में लगती है, वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत का सामना करना पड़ता है। जो भी नए इस साल 2024 में ये सोच रहे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको YouTube चैनल जब आप ओपन करोगे, यानी जब आप सोचोगे मैं अपना एक नया चैनल बनाना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि इससे अर्निंग कितनी होगी, मेरे को फ़ायदा कितना होगा, मेरे को क्या होगा इससे, मैं कितना पैसा कमाऊँगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ये चैनल खोल के अगर ये सोचोगे कि मैं चैनल इसलिए खोलूँगा कि मेरी जो अर्निंग है वो प्रॉपर आ जाएगी, और कई बार ऐसे भी होता है लोग कि जॉब छोड़ने के बाद सोचते हैं कि जॉब छोड़ दूँ, इससे अच्छा मैं यूट्यूब पे ही पैसे कमा लूँ, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और एक आपको सिर्फ अपना एक कंटेंट जो है उस पर पहले फोकस करना चाहिए। आप कंटेंट का मतलब होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कंटेंट है वो सब लोगों को पसंद आए, सब लोग उसे देखें, नहीं, आपको पहले खुद को अच्छा लगना चाहिए। जिस दिन आपको कंटेंट खुद अच्छा लगना लग जाएगा, उस दिन आप देखना कि वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे लिए पहले सबसे अपने आप को पहले उस चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए। देखो आगे कौन उस वीडियो को देखता है, कौन नहीं देखता है, कौन सी ऐसी वीडियो जो ट्रेंड में करती है, कौन सी ऐसी वीडियो है जो बिल्कुल ही नहीं चलती है, वो सब बाद बाद में धीरे धीरे नॉलेज बढ़ जाता है, वीडियो में दिखने लग जाता है कि हाँ यार मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, किस चीज़ की गलतियाँ हो रही है, तो इस चीज़ का वो हमेशा फिर धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन आप शुरू में ये गलतियां ना करें कि आप एकदम ये सोचें कि मैं एकदम ऐसी वीडियो बनाऊं, परफेक्ट वीडियो बनाऊं जिससे मेरे व्यूज सीधे लाख 2 लाख हजारों में ऐसा आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर वीडियो बनाओगे तो हो सकता है कि एक महीने तक भी आपके 5, 4, 3 व्यूज भी आ सकते हैं। तो इसलिए घबराने का नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू ये सोच के चलो कि आपको कंटिन्यू कम से कम, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 50 दिन तक, 50 डेज तक अगर आपने कंटिन्यू डेली वीडियो डाली है, उसके बाद देखना आपके चैनल में क्या चेंजेस आते हैं। तब जब आपके चैनल में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगी तो उस पर डिपेंड, उसमें आप देखना कि मेरी ऐसी कौन सी वीडियो है जो सबसे ज़्यादा चल रही है, कौन सी वीडियो ऐसा, कौन सा टॉपिक ऐसा था, तो उस टॉपिक के हिसाब से आप अपनी आगे वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने 50 वीडियो कंप्लीट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक अपने आप नॉलेज हो जाएगा, उसमें कोई भी यूट्यूबर आपको बताएगा नहीं कि कहाँ पे सही होता है, कहाँ पे गलत होता है, कौन सी मुझे वीडियो बनानी चाहिए, कौन सी नई वीडियो बनानी चाहिए। ये सब डिपेंड करता है ओनली ऑन जब आप 50 वीडियो डाल दोगे, उसके बाद आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। एक यूट्यूब एक ऐसा मंच है जिसमें आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपकी कौन सी वीडियो चल सकती है। मैंने ऐसी ऐसी वीडियो देखी है कि जिस वीडियो में मतलब कोई भी ना लॉजिक है ना थॉट है, कुछ भी नहीं है, वो वीडियो चल जाती है, और किसी ने बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई है लेकिन तब भी नहीं चलता है। तो ऐसा बिल्कुल मन में नहीं कर, हाँ आप सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर अगर वो हुनर है, आपको बोलने का हुनर है, आपको खेलने का हुनर है, आपकी पेंटिंग का हुनर है, जिस चीज़ का भी आपको हुनर है, आप अपने जो हुनर पे उस पे वीडियो बनाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, आपके बोलने की जो शैली रहेगी वो क्या हो जाएगी, आप किस चीज़ पे आप कोशिश करेंगे। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता है, मैं आगे कैमरे के सामने क्या बोलूँ, मोबाइल के आगे क्या बोलूँ। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बोलने वाली वीडियो बनाओ, आप एडिटिंग सीखिए, एडिटिंग के हिसाब से आप वीडियो बनाइए, अपनी वॉइस को रखिए, अपनी वॉइस को आगे जो फोटो हैं वो इंटरनेट से निकाल के सामने रखिए, फिर उसके पीछे अपनी वॉइस दें, जैसे जैसे आप आवाज़ देंगे उसके पीछे वीडियो चलती रहेगी, एडिटिंग सीखते रहे, तो ऐसे में भी आप अपना जो बोलने का स्टाइल है आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी पेंटिंग अच्छी है तो अच्छे अच्छे
जो भी चित्रकला है, चित्र बना सकते हैं, आपके पास म्यूजिक है, आप अच्छे अच्छे गाने गा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके आपके हुनर। ये इसको आप ये मत लेके चलो कि ये एक पैसे कमाने का जरिया है, ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है। यूट्यूब उन लोगों के लिए है पैसे कमाने का जरिया, जिन लोगों के अब मिलियनों में सब्सक्राइब हो चुके हैं, वो अगर कुछ भी डाल दें, वो यही बोल देंगे, यही डाल देंगे कि हेलो फ्रेंड मैं 100 के उठाए, तो उतने में ही उनके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक नए यूट्यूबर ये लेके मत चले कि मैं उठूं और हेलो गाइस बोलूं, इतना ही बोलूं और मेरे से लाखों पैसे आ जाए, ऐसा नहीं है। ये जो चैनल है, ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब में आप ये लेके ये मान के चले कि यूट्यूब आपके लिए सिर्फ इसलिए है कि आपके अंदर जो एक कमियां है, आप उस कमियां को दूर करके और उसके बाद जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और जब आप लोगों को रिप्रेजेंट करोगे इस चीज को, तो उसके बाद जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक जो बोलने का तरीका होगा, वो थोड़ा धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको एक आगे जो फ्यूचर के लिए आपने जो प्लान किया है कि मैं ये चीजें बनना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए था, वो आप चीज सीख सकते हो। देखो आप पहले भी आप सोचा देखा होगा आप लोगों ने, जब हम बचपन में रहते थे, पिक्चरें देखते थे, उस समय हम देखते थे यार हीरो लोग होते हैं या पिक्चरें बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं, ये गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तो हम लोग देखते थे जी। आज आपको वो मौका मिला है, आपको ये मौका मिला है कि आपके अंदर जो अच्छाई है, उस अच्छाई को आप सामने रख रहे हो, जिससे कि दुनिया देख रही है इन चीज़ों को कि हाँ इसके अंदर भी टैलेंट है। तो आप अगर यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो मेरे को आप मेरे आपसे यही विनती है कि अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, तो आप अपने तरीके से काम करें और अपना कंटेंट का ध्यान रखें, और जैसे जैसे आप कंटिन्यू उस पर काम करें, तो आप जरूर 2024 में कामयाब होंगे। आपको थोड़ा टाइम लग भी सकता है, लेकिन आप जरूर कामयाब होंगे। और मेरी यही रिक्वेस्ट आपसे कि आप जब भी चैनल बनाओ, तो आप कंटिन्यूस पे काम करते रहें। ओके फ्रेंड, थैंक यू। नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भूल चूक अनजाने में भी कई बार अगर कोई गलतियां हो जाती है, तो अपनों को हमेशा माफ करना चाहिए, ये जरूरी है। और एक नए साल 2024 के लिए सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।